दैट इज नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया. ठीक है, वॉट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फॉलोइंग न्यूज इन न्यूज पेपर, एक्सप्लेन इन ब्रीफ. अपोजिशन पार्टीज हेल्ड मीटिंग इन मुंबई टू रेजिस्ट रूलिंग पार्टी विल टेक अप द इशू ऑफ फार्मर. रूलिंग पार्टी ऑर्गेनाइज संवाद यात्रा इन रूरल एरियाज. इमेजिन यू आर द अपोजिशन पार्टी लीडर एंड यू हैव ऑब्जर्व दैट द रूलिंग पार्टी हैज नॉट डन गुड वर्क इन द फील्ड ऑफ हेल्थ. वॉट विल यू डू एज अ लीडर ऑफ अपोजिशन. तो अभी यहाँ पे अलग अलग न्यूज दिए गए. फॉर एग्जाम्पल, पहले आप देखोगे कि जो भी रूलिंग पार्टी है, रूलिंग पार्टी मतलब जिनकी गवर्नमेंट एस्टेब्लिश हो गई है, वो लोग फार्मर के लिए अच्छे से काम नहीं कर रहे. तो अपोजिशन पार्टी ने क्या किया, इसके अगेंस्ट मीटिंग को बुलाया, रूलिंग पार्टी के साथ मीटिंग ली कि आप फार्मर के इश्यूज को सॉल्व करो. सेकेंड न्यूज आप लोग क्या देख सकते हो कि रूलिंग पार्टी जो भी है, उन्होंने क्या किया, रूरल एरियाज में, विलेज साइड में संवाद यात्रा, संवाद यात्रा मतलब लोगों के साथ बातचीत करने के लिए एक फंक्शन अरेंज किया कि लोगों से बातचीत करें और उनके प्रॉब्लम समझ के ले. और एक यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा गया कि आप ऐसा इमेजिन करो कि आप अपोजिशन पार्टी हो, अपोजिशन मतलब आप चुन के नहीं आए और आपने ऐसा ऑब्जर्व किया कि रूलिंग पार्टी उनका काम अच्छे से नहीं कर दिया, तो आप लोग एज अ अपोजिशन पार्टी क्या करोगे, तो क्या करोगे, रूलिंग पार्टी के ऊपर प्रेशर बनाओगे कि आप उनका काम अच्छे से करो, हेल्थ का काम अच्छे से करो, या फिर जो भी काम आप नहीं कर रहे हो वो काम अच्छे से करो. नाउ थिंक एंड राइट. महात्मा गांधी, विनोबा भावे एंड जयप्रकाश नारायण पुट फॉर द आइडिया ऑफ पार्टीलेस डेमोक्रेसी. वॉट हैज टू बी डन टू ब्रिंग सच डेमोक्रेसी इन मॉडर्न टाइम्स. यहाँ पे क्या दिया गया कि महात्मा गांधी ने या फिर विनोबा भावे या फिर जयप्रकाश नारायण, ये हमारे यहाँ पे कुछ पॉलिटिकल लीडर्स थे जिन्होंने बोला कि पार्टीलेस डेमोक्रेसी होना चाहिए. इवन मॉडर्न टाइम्स में आपने इनको देखा होगा, अन्ना हजारे, उन्होंने भी ऐसा बोला कि पार्टीलेस डेमोक्रेसी होना चाहिए, पक्षविहीन गणतंत्र, पीछे पढ़ सकते हो, पक्षविहीन गणतंत्र दैट इज पार्टीलेस डेमोक्रेसी. अभी पार्टीलेस डेमोक्रेसी मतलब क्या, इसका मतलब होता है कि लोगों को पार्टी को वोट नहीं करना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल, अभी जब इलेक्शन होते हैं, जो भी हमारे यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव खड़े होते हैं वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से खड़े होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, कल सपोज इलेक्शन होंगे तो एक लीडर होगा कांग्रेस का, एक लीडर होगा बीजेपी का, एक लीडर होगा शिवसेना का. तो हम लोग को जो भी पॉलिटिकल पार्टी अच्छी लगती है हम लोग उसके लीडर को वोट करेंगे. लेकिन इन्होंने क्या बोला, महात्मा गांधी, विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण, इन्होंने क्या बोला कि हमें ऐसा डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश करना पड़ेगा जहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी से कोई खड़ा नहीं रहेगा इलेक्शन में, पार्टीलेस डेमोक्रेसी. तीन लीडर, अगर सपोज तीन लीडर खड़े हैं इलेक्शन में, तो उनमें जो भी अच्छा काम कर रहा है आप उसको वोट दो. तो बहुत बार क्या होता है, हम लोग को अगर कोई पार्टी अच्छी लगती है तो हम लोग उसके लीडर को वोट कर देते हैं, लेकिन वो लीडर कभी कभी अच्छा काम नहीं करता होगा. इसके लिए पार्टीलेस डेमोक्रेसी में क्या होगा, जो काम करता होगा अच्छे से लोगों के लिए उसको ही वोट मिलेगा. तो ऐसी डेमोक्रेसी जो है वो और ज़्यादा डेवलप हो सकती है, और ज़्यादा अच्छी डेमोक्रेसी मानी जा सकती है. अभी तक इंडिया में है नहीं, लेकिन ऐसा बोला जाता है कि बहुत सारे लीडर्स ने इसके लिए आर्ग्यूमेंट किया था कि पार्टीलेस डेमोक्रेसी होनी चाहिए. ओके, सो नाउ इफ पावर रिमेन्स विथ वन पॉलिटिकल पार्टी फॉर अ लॉन्ग पीरियड एंड नो पॉलिटिकल पार्टी आर इन्फ्लुएंशियल, द पार्टी सिस्टम इज कॉल्ड एज वन पार्टी सिस्टम. जैसे हम लोग ने कांग्रेस का देखा कि बहुत सालों तक कांग्रेस डोमिनेंट थी, तो अगर बहुत सालों तक एक ही पार्टी डोमिनेंट है तो उसको बोला जाता है वन पार्टी सिस्टम. सिमिलरली, अगर बहुत सालों तक दो पॉलिटिकल पार्टीज डोमिनेंट है तो उसको बोला जाता है टू पार्टी सिस्टम. आप इंडिया में बोल सकते हो कि दो पार्टी बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है, बीजेपी एंड कांग्रेस, ठीक है, तो ये हो गया टू पार्टी सिस्टम. अगर दो से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा पार्टी, मैनी पॉलिटिकल पार्टीज डोमिनेंट है किसी भी कंट्री में, उसको बोला जाता है मल्टी पार्टी सिस्टम. एक्चुअली इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है, बहुत सारी अलग अलग पार्टीज इंडिया में इन्फ्लुएंशियल है, तो इसको बोला जाता है मल्टी पार्टी सिस्टम. यहाँ पे एक एक्सरसाइज दिया आपको कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस दैट इज NDA एंड यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस दैट इज UPA, उनके अलग अलग पार्टी मेंबर्स को फाइन करो. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि राज्यसभा में NDA जो है उनमें कौन कौन है, BJP है, JDU मतलब जनता दल यूनाइटेड, शिवसेना, SAD, शिरोमणि अकाली दल, ये अलग अलग पार्टीज हैं जो कि NDA का पार्ट है. यहाँ पे UPA में देख सकते हो कांग्रेस, NCP नेशनल कांग्रेस पार्टी, DMK,
जबीडा मुन्ना कजागम, ये सब पार्टीज है जो कि यूपीए का पार्ट है, ठीक है। तो ये हो गए एनडीए एंड यूपीए के मेंबर्स। अभी हम लोग नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं, नेशनल एंड रीजनल पार्टीज। तो पहले ये क्या होता है, नेशनल एंड रीजनल पार्टीज क्या होता है वो हम लोग देखते हैं। देखो, टू गेट रिकॉग्निशन एज अ नेशनल पार्टी द इलेक्शन कमीशन हैज टू प्रिस्क्राइब द फॉलोइंग कंडीशन। तो हम लोग ने देखा था कि कोई भी पार्टी को, पॉलिटिकल पार्टी कौन बनाता है, इलेक्शन कमीशन उनको रिकॉग्नाइज करता है। तो इलेक्शन कमीशन ने यहाँ पे अलग अलग कंडीशंस दिए कि अगर आप ये कंडीशंस को फुलफिल करोगे तो ही आपको क्या बनाया जाएगा, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी बनाया जाएगा। नेशनल है, इंपॉर्टेंट इज नेशनल। यहाँ पे सिमिलरली राइट साइड में आप देख सकते हो कि अगर आपको रीजनल पार्टी बनना, तो आपको देखो रीजनल पार्टी, देखो वर्ड मैंने अंडरलाइन किया रीजनल पार्टी, अगर आपको रीजनल पार्टी बनना है तो ये कंडीशन आपको फॉलो करने पड़ेंगे या फिर ये कंडीशन आपको फुलफिल करने पड़ेंगे। अभी नेशनल एंड रीजनल में क्या डिफरेंस होता है, नेशनल पार्टी मतलब जो भी लोकसभा का इलेक्शन होगा, नेशनल इलेक्शन, वहाँ पे वो पार्टी डोमिनेंट होगी, ठीक है। और रीजनल इलेक्शन मतलब या फिर रीजनल पार्टीज मतलब जो भी हमारे स्टेट में इलेक्शन होते हैं, फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र ले लो, तो महाराष्ट्र में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज है, जो जैसे कि शिवसेना जो कि महाराष्ट्र में सिर्फ काम करती है, तो उनको क्या बोलेंगे हम लोग, रीजनल पार्टी। तो समझ में आया, जो नेशनल लेवल पे काम करती है वो नेशनल पार्टी, जो रीजनल लेवल पे स्टेट में काम करती है वो रीजनल पार्टी। तो उनके लिए कुछ कंडीशंस दिए, वो हम लोग को समझ में लेना। अभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्टीज ये कंडीशन है ना, अभी समझ में ले लो, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आता है, और अगर आप समझ के नहीं लोगे तो मोस्टली आपको इसको रट्टा मारना पड़ेगा। अगर आप समझ के लोगे तो विदाउट बाय हार्टिंग इट आप खुद से लिख सकते हो। इसके लिए यहाँ पे ध्यान दो, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ये, अभी बता रहा हूँ मैं, पॉलिटी के पूरे सिलेबस में दिस पार्ट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड टू अंडरस्टैंड कि नेशनल पार्टीज कौन सी होती है और रीजनल पार्टी कौन सी होती है। देखो यहाँ पे, पॉलिटिकल पार्टीज शुड सिक्योर मिनिमम 6% ऑफ वैलिड वोट्स इन 4 और मोर स्टेट्स इन द अर्लियर लोकसभा और स्टेट असेंबली इलेक्शन and minimum 4 members should be elected in Lok Sabha from any state or states in the earlier election. Okay, everyone is with me. पहले सब लोग बताओ, सबको, सब लोग का ध्यान है यहाँ पे? मोहम्मद, श्रावणी, श्रेयस, yes sir, everyone paying attention. देखो यहाँ पे क्या बोला गया है कि अगर आपको नेशनल पार्टी बनना है तो जो भी लोकसभा का इलेक्शन हुआ होगा इसके पहले का, लोकसभा मतलब नेशनल इलेक्शन, ओके, उसमें आपको कम से कम 6% ऑफ वोट्स चाहिए। 6% यहाँ पे सीट्स नहीं बोला है, 6% ऑफ वोट मतलब अगर इलेक्शन में 100 लोगों ने वोटिंग की तो आपको कम से कम 6 लोगों ने वोटिंग की चाहिए, या फिर 6 वोट्स आपको कम से कम मिलने चाहिए। तो इसको क्या बोला है, 6% वैलिड वोट्स, ठीक है। उसके साथ साथ आपको क्या बोला है कि लोकसभा में आपको 4 मेंबर्स सिलेक्ट करके आने चाहिए फ्रॉम एनी स्टेट और स्टेट्स। सिमिलरली यहाँ पे एक कंडीशन और है कि सिर्फ लोकसभा इलेक्शन नहीं, अगर सपोज पहला जो इलेक्शन हुआ होगा वो लोकसभा का नहीं, स्टेट असेंबली का, मतलब स्टेट के इलेक्शन हुए होंगे, तो आपको अलग अलग स्टेट्स में 6% ऑफ वोट लगेंगे। ऐसे अलग अलग कितने स्टेट्स में, 4 और मोर स्टेट्स में। देखो यहाँ पे दिया है 4 और मोर स्टेट्स, मतलब क्या दिया गया आपको कि अगर आपको नेशनल पार्टी बनना है तो इसके पहले जो लोकसभा इलेक्शन हुआ होगा उसमें आपको 6% वोट्स चाहिए, ठीक है, 6% वोट्स, 6 सीट नहीं, 6% वोट। अगर 100 लोगों ने वोट किया है तो 6 वोट आपको चाहिए। और अगर इससे पहले, मतलब जब भी नोटिफिकेशन आएगा कि ये नेशनल पार्टी, उससे पहले अगर स्टेट इलेक्शन हुआ होगा तो स्टेट के इलेक्शन में कम से कम 4 स्टेट में आपको 6% ऑफ वोट चाहिए। कम से कम कितने, 4 स्टेट में। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप नेशनल पार्टी बनना चाहते हो, फॉर एग्जांपल शिवसेना नेशनल पार्टी नहीं है, क्यों, क्योंकि वो 4 स्टेट में काम करती है, क्या नहीं करती, एक ही स्टेट में काम करती है, ज़्यादा से ज़्यादा उनका जो पॉलिटिक्स है वो एक ही स्टेट में है। तो आपको 4 या फिर 4 से ज़्यादा स्टेट में 6% ऑफ वोट चाहिए, या फिर जो भी लोकसभा का नेशनल इलेक्शन होगा उसमें 6% ऑफ वोट चाहिए। और उसके साथ प्लस, उसके साथ यहाँ पे एंड दिया है, ठीक है, एंड का मतलब प्लस, उसके साथ आपको
लोकसभा में 4 मेंबर इलेक्टेड आने चाहिए। तो जो भी लोकसभा का इलेक्शन हुआ होगा पार्टी को रिकॉग्निशन मिलने से पहले, वहां पे आपको लोकसभा में 4 मेंबर सिलेक्ट होने चाहिए, तो आपको क्या बोला जाता है, पॉलिटिकल नेशनल पॉलिटिकल पार्टी बोला जाता है। ये हो गई पहली कंडीशन, ठीक है। ये कंडीशन सेटिस्फाई कर ली तो आप लोग नेशनल पार्टी बन जाओगे। अगर नहीं की ये कंडीशन सेटिस्फाई तो दूसरी कंडीशन, ठीक है, पहली करो या फिर दूसरी। और का मतलब समझ में आता है सबको? और का मतलब क्या होता है? आइदर दिस और दिस, दोनों में से कोई भी एक। एंड का मतलब क्या होता है? दोनों। तो यहाँ पे एंड था कि 6% ऑफ वोट भी चाहिए और 4 सीट भी आपको चाहिए, 4 मेंबर सिलेक्ट भी होने चाहिए। तो ये हो गई पहली कंडीशन। दूसरे कंडीशन में और दिया, मतलब एक तो ए सेटिस्फाई करो या फिर बी सेटिस्फाई करो। तो बी क्या दिया है? द कैंडिडेट ऑफ पार्टी शुड बी इलेक्टेड फ्रॉम मिनिमम 2% ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी आउट ऑफ टोटल लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी, एंड यहाँ पे एंड इम्पॉर्टेंट है, एंड फ्रॉम मिनिमम 3 स्टेट्स। तो यहाँ पे क्या दिया है कि लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज का जो भी इलेक्शन होता है, मतलब नेशनल इलेक्शन, वहाँ पे आपको 2% ऑफ क्या चाहिए कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इलेक्टेड मेंबर चाहिए, मतलब यहाँ पे सीट्स चाहिए। परसेंटेज ऑफ वोट नहीं बोला यहाँ पे, परसेंटेज ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स। फॉर एग्जाम्पल लोकसभा में कितनी सीट होती है? टोटल 545। अभी का जो लोकसभा है वहाँ पे 545 सीट्स है, राइट। तो उसका 2%, 545 का 2% होता है अराउंड 11। तो आपको कम से कम कितनी सीट्स चाहिए? 11 सीट्स चाहिए। लेकिन वो 11 सीट एक ही स्टेट से नहीं चाहिए, कितने स्टेट से चाहिए? 3 अलग अलग स्टेट से चाहिए। फॉर एग्जाम्पल शिवसेना, अगर शिवसेना को लोकसभा इलेक्शन में 11 सीट्स मिल गई तो वो लोग को नेशनल पार्टी नहीं बोला जाएगा, क्यों? क्योंकि 11 सीट महाराष्ट्र से ही मिलेगी। लेकिन अगर 11 सीट आपको अलग अलग 3 स्टेट से मिली, फॉर एग्जाम्पल गुजरात से 5 सीट्स मिली, महाराष्ट्र से 5 सीट मिली, तमिलनाडु से 2 सीट मिल गई, तो 12 हो गए। तो अगर 11 या फिर 11 प्लस सीट्स हो जाएंगे ऐसे 3 अलग अलग स्टेट से, तो ही आपको नेशनल पार्टी बोला जाएगा। तो ये दो कंडीशन है आपको, एक तो पहला कंडीशन सेटिस्फाई करना है या फिर दूसरा कंडीशन सेटिस्फाई करना है। एवरीवन अंडरस्टूड दिस? ये समझ में आया सबको? हाँ सर, ठीक है। अभी देखो, अगर आपको रीजनल पार्टी बनना है तो क्या क्या कंडीशन है? अ पॉलिटिकल पार्टी शुड सिक्योर मिनिमम 6% ऑफ वोट्स इन अर्लियर लोकसभा और स्टेट असेंबली इलेक्शन, एंड मिनिमम 2 मेंबर्स शुड बी इलेक्टेड इन द स्टेट असेंबली और विधानसभा। अभी देखो, यहाँ पे हम लोग ने देखा था एक कंडीशन, 4 और मोर स्टेट्स, 4 अलग अलग स्टेट्स में 6% ऑफ वोट चाहिए। लेकिन आपको यहाँ पे 4 अलग अलग स्टेट की जरूरत है क्या रीजनल पार्टी के लिए? नहीं जरूरत। क्यों? क्योंकि आपको रीजनल पार्टी बनना है, नेशनल पार्टी नहीं बनना है। तो आपको 6% ऑफ वोट कहाँ पे चाहिए? आइदर लोकसभा में या फिर जो भी आपके स्टेट का इलेक्शन होगा वहाँ पे आपको 6% ऑफ वोट चाहिए। अगेन मैं फिर इसके ऊपर जोर दे रहा हूँ कि 6% ऑफ वोट अलग होता है और स्टेट 6% ऑफ सीट अलग होता है। 6% ऑफ वोट का मतलब क्या? अगर 100 लोगों ने वोट किया है तो आपको सिर्फ 6 लोगों ने वोट किया चाहिए, करना चाहिए। और 6% ऑफ सीट का मतलब क्या? अगर 10 जगहों पे इलेक्शन हुआ है तो कम से कम आपको 0.6 जगहों पे आपको इलेक्शन की सीट जीतनी चाहिए। या फिर 100 जगहों पे अगर इलेक्शन हुआ है तो कम से कम 6 जगहों पे आपको इलेक्शन में जीत के आना है, ठीक है। इसका मतलब हो गया 6% ऑफ सीट। लेकिन यहाँ पे 6% ऑफ वोट बोला है। वोट्स का मतलब अगर 100 लोगों ने वोट किया है तो सिर्फ 6 लोगों का वोट आपको मिलना चाहिए। तो कहाँ मिलना चाहिए? एक तो लोकसभा के इलेक्शन में या फिर जो भी आपके स्टेट में इलेक्शन हुआ है वहाँ पे। सिमिलरली नेशनल पार्टी के लिए कंडीशन क्या थी? 6% लोकसभा में चाहिए या फिर स्टेट में भी चाहिए, लेकिन 4 अलग अलग स्टेट से, ठीक है, 4 और मोर, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 4 और मोर का कंडीशन नहीं दिया गया। आपको कोई भी एक स्टेट में अगर 6% वोट मिल गए तो आप रीजनल पार्टी बन सकते हो। ये हो गई पहली कंडीशन। अगेन देखो, नेशनल पार्टी में आपको बोला था कि लोकसभा में 4 मेंबर्स चाहिए, रीजनल पार्टी में आपको बोला है कि स्टेट असेंबली में, विधानसभा में आपके कम से कम 2 मेंबर्स चाहिए। ओके, सेकेंड कंडीशन यहाँ पे क्या दी गई है कि अ पॉलिटिकल पार्टी शुड सिक्योर मिनिमम 3% ऑफ सीट आउट ऑफ टोटल सीट ऑफ विधानसभा और स्टेट असेंबली और मिनिमम 3 सीट्स। तो जैसे नेशनल पॉलिटिकल पार्टी में हम लोग ने देखा था कि लोकसभा की जो भी सीट्स है उसकी 2% ऑफ सीट्स आपको चाहिए
उसका मतलब क्या होता है 2% का 11 सीट, लेकिन तीन अलग अलग स्टेट से चले। तो सिमिलरली रीजनल पार्टी में क्या दिया है आपको कि 2% नहीं, यहाँ पे कितना बोला है 3% सीट्स चाहिए, और कम से कम कितनी सीट्स होनी चाहिए, वो 3 सीट्स होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लेके मैं आपको बताता हूँ कि महाराष्ट्र की जो विधानसभा है उसमें 288 सीट्स है, तो 288 की अराउंड आपको 3% सीट्स लगेगी, तो वो 3% सीट्स अगर आपको मिल गई तो आपको रीजनल पार्टी माना जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कौन कौन सी जगहों पे ना सीट ज़्यादा होती है, फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र ही ले लो, 288 सीट्स है, तो उसकी 3% कितनी हो गई, अराउंड 6-7-8 हो जाएगी। तो इतने सीट्स अगर आपके पास नहीं भी है, अगर आपके पास मिनिमम 3 सीट्स भी है तो भी आप सिलेक्ट हो सकते हो। लेकिन ये 3% का जो क्राइटेरिया है वे छोटे छोटे स्टेट्स के लिए, क्योंकि कुछ स्टेट्स में है ना स्टेट असेंबली में सिर्फ 100 सीट्स होती है या फिर 100 से कम सीट्स होती है। तो अगर 100 सीट्स है तो उसका 3% कितना हो गया, 3 सीट। तो इसका मतलब आपको मिनिमम कितनी सीट्स चाहिए, 3 सीट्स चाहिए। और अगर किसी विधानसभा में, किसी स्टेट में 100 से भी कम सीट है, फॉर एग्जाम्पल ले लो 50 सीट्स है, तो आपको 3% मतलब कितनी होनी चाहिए, 3% का होता है डेढ़, लेकिन 1.5 हो गया, तो हम लोग अज्यूम करेंगे कि 2 सीट्स चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है, 2 सीट्स नहीं चलेगा, आपको मिनिमम 3 सीट्स चाहिए। तो ये जो मिनिमम 3 सीट का क्राइटेरिया है ये छोटे छोटे स्टेट्स के लिए है, और 3% का जो क्राइटेरिया है ये बड़े वाले स्टेट्स के लिए। तो ये हो गया रीजनल पार्टी के लिए क्राइटेरिया, ठीक है। तो इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आता है, ये कंडीशंस आपको क्वेश्चंस में लिखनी होती है। तो ये कंडीशन समझ में आई सबको, हम लोग कल इसको फिर एक बार रिवाइज करेंगे, थोड़ा कॉम्प्लिकेट है, हम लोग इसको कल फिर से रिवाइज करेंगे। ओके, फॉर नाउ वी विल स्टॉप एंड नेक्स्ट लेक्चर सर कंटिन्यू करेंगे। वेट अ मिनट।